हर हर महादेव। वैसे तो भारत का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है, लेकिन भारत में एक और स्वर्ग है जिसे हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। और इसी स्वर्ग के चमोली ज़िले में 3000 मीटर में स्थित है फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स। वही फूलों की घाटी जिसे 2005 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। वही फूलों की घाटी जहाँ फूलों की 500 से अधिक प्रजाति पाई जाती हैं। यह वही फूलों की घाटी है जिसे देख हनुमान जी भी संजीवनी समझ बैठे थे। यह वही फूलों की घाटी है जिसका प्राकृतिक सौंदर्य देखने से बनता है। यह वही फूलों की घाटी है जो चारों तरफ अपने झरने, अपनी नदियाँ, अपने फूल, अपने पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए चलते हैं इस सफ़र में और आपको दिखाते हैं फूलों की घाटी दिखती कैसी है। तो गाइस, हमने स्टार्ट कर दिया अपनी वैली ऑफ फ्लावर्स की जर्नी। हम निकल रहे हैं सुबह मैगी खा के, नहा धो के। तो अब आगे का रास्ता कुछ ऐसा है। सॉरी, तो ये वही तिराहा है जिसमें अगर हम लेफ़्ट लेंगे तो हम जाएंगे फूलों की घाटी, और अगर हम सीधे जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे हेमकुंड साहिब। तो यहीं पे हमने लेफ़्ट लिया और हमने अपनी जर्नी शुरू करी फूलों की घाटी की। यहाँ पे हमें दिखाई दिए कुछ बोर्ड। यहाँ पे पहला बोर्ड था कि 4 किलोमीटर यहाँ से दूर है, और दूसरा लिखा था कि आपको इस जगह को स्वच्छ बनाना है और कुछ कूड़ा कचरा ना फैलाएं। तो ये था वो रास्ता जो आगे लेके जाता है। ये बोर्ड से मैं जहाँ पे काउंटर है वहाँ तक का दूरी करीब होगी 200 मीटर की, और वहाँ से आगे जाने के लिए टिकट मिलता है। वो टिकट से ही आप फिर आगे जा सकते हैं। तो जब हम पहुँचे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, और ये पूरा फ्री प्लास्टिक जोन में आता है, तो यहाँ पे कूड़ा कचरा ना फैलाएं। और पूरा मैप में बता रहे हैं कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो और पूरे वो बताया है कि कौन कौन से फूल हैं, कौन कौन से फूल आप देख सकते हैं, क्या क्या फूल की वेराइटीज़ हैं जो वहाँ उपलब्ध हैं। और यहाँ का जो शुल्क है वो है 150 रुपये पर पर्सन, और आपकी बैग की पूरी चेकिंग होती है और देखा जाता है कि आप क्या क्या चीज़ें ले जा रहे हैं, और वापस चेकिंग होती है आते वक्त, ताकि आप जो चीज़ लेके गए थे वो आप वापस लाए हैं। तो इसमें स्पीकर्स या कुछ ऐसा बड़ा डिवाइस वो सब आपको पहले जमा करना होता है। हम यहाँ आने आने में थोड़ा लेट हो गए, जिसलिए हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद हो गया। और उस बीच हमें मिले हमारे एक नए कलाकार जिनने बहुत अच्छी कला का प्रदर्शन किया। तो आप इन फ्यूचर में अगर इनको बुक करना चाहें किसी शोज़ के लिए तो आप कर सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये स्टेबल करते हैं चीज़ों को, मस्त डंडी घुमा रहे हैं, और पहले ये सर्कस में भी काम कर चुके हैं। तो अगर आप इनको लेना चाहें कहीं और तो आप ज़रूर ले सकते हैं। ये इन्हें दिया एक पर्चा, इसमें हमका नाम दिया है और बता रखा क्या क्या है, और हमारा स्पीकर सब जमा हो गया है। बस ये है, हम जा रहे हैं आगे, और है पूरी सब जगह धुंध। ये पड़ा है पहला पुल, देखो कितना डेंजरस है, वहाँ से आ रहा है मस्त पानी और पूरा धुंध धुंध। कैसा लग रहा है विशाल भाई? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ऑसम भोकाली, भोकाली। अब चलते हैं आगे ब्रिज में। वही तो, यहाँ देखने लग गए हैं फूल। पूरी घाटी नीले फूलों से सजी है। ये है ब्लू पॉपी स्पॉट, यहाँ पर दिखेगी ब्लू पॉपी। ये
मस्त लग रहा है, बिल्कुल उफान बह नदी भयंकर काल बारिश। कल आज सुबह 6 बजे बारिश हुई थी तो उससे थोड़ा जलस्तर बढ़ गया है लग रहा है। तो उस दिन था 15 अगस्त तो हमारा भाई कैसे पीछे रहता अपना राष्ट्रप्रेम दिखाने में, तो भाई पूरे रास्ते झंडा लेके चला और हर जगह हमारे तिरंगे को हम लहरा के आए। तो ये पुल के बाद से शुरू हो जाती है फूलों की घाटी और यहाँ तक का सफ़र रहता है 4 किलोमीटर का, और इसके बाद से वैली पूरी हमारी शुरू होती है। और यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ थी क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा आए थे उस टाइम पे, तो पुल क्रॉस करने में थोड़ा हमें टाइम लगा। और उसके बाद जो देखने को मिला वो दृश्य तो मनमोहक था एकदम, मतलब इतनी प्यारी, इतने सारे फूल एक जगह कभी हमने देखे नहीं थे, तो वो देख के बहुत ही अच्छा लगा। और पानी की जो साउंड आ रही थी और जो क्रिस्टल क्लियर पानी था वो बहुत ही अच्छा लगा देखने में। तो चलो अब आपको दिखाते हैं फूलों की घाटी। ये है बिस्लेरी से भी ज़्यादा मिनरल वाला वाटर और यहाँ भर रहे पानी। गणेश सिंह ये वैली ऑफ फ्लावर्स की हिस्ट्री ये है कि यहाँ एक अंग्रेज़ था जिसका नाम था फ्रैंक एस स्मिथ, वो यहाँ घूमने आया था और वो कोई एक ट्रैक करके आया था कॉमेट करके। तो जब वो यहाँ पे आया तो उसको काफ़ी अच्छा लगा, वो 1931 में आया था इधर। उसके बाद वो यहाँ से घूम के यहाँ से चला गया। 1937 में वो वापस इधर आया और उसने वहाँ से यहाँ पूरा घूमा। यहाँ से जाने के बाद एक किताब लिखी, उसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। तो उसके बाद लोगों को पता चला कि वैली ऑफ फ्लावर्स क्या है। और उसके बाद एक बॉटनी स्टूडेंट थी यहाँ पर रिसर्च करने आई और उसके रिसर्च करने के दौरान उसकी वहाँ से फिसल के डेथ हो गई। तो उसके बाद उसके लिए वहाँ पे एक समाधि बनाई है उसकी सिस्टर ने कुछ सालों बाद। तो ये एक सिग्निफिकेंस है इधर का। और एक और इस जगह की ये सिग्निफिकेंस है कि जब लक्ष्मण शक्ति हुई थी और हनुमान जी हिमालय में जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने, तो यहाँ से फूलों की इतनी खुशबू आ रही थी कि उन्हें लगा यही संजीवनी बूटी है, यही मिलेगा, तो वो यहाँ आए। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये वो नहीं है, तो फिर जाके वो द्रोणागिरी पर्वत गए और वहाँ से उन्होंने फिर संजीवनी बूटी ली। तो वो वैली ऑफ फ्लावर्स भी आए थे सब कहा जाता है यहाँ पर। और यहाँ आए तो प्यारे प्यारे फूल और ऐसे नज़ारे।
ये है वो रास्ता जो मैं बता रहा था, सीधे जाएंगे तो हम टिपरा जाएंगे और अगर हम राइट लेंगे तो हम वो ग्रेव में जाएंगे। उनका नाम लिगी था, ये जा रहा है ग्रेव की ओर। ये पेड़ से मिलता है भोजपत्र और पहले के ज़माने में लोग इसी में उपनिषद, वेद और सब कुछ लिखा करते थे। इनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, भयंकर उफान में है नदी। मोस्ट हम आ गए वापस नीचे को और नदी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अभी भयंकर उफान में है। अभी दिखाता हूँ, आवाज़ आ रही होगी आपको, मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, नदी की ज़्यादा होगी। ये देखो तो ऐसा है कुछ, और टोटली 500 वैराइटीज़ के फूल हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में, और अल्टीमेट है, मतलब इतनी सुंदर जगह मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। तो यहाँ ज़रूर आओ आप, और बाकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। तो हम अपना वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक ख़त्म करके वापस पहुँचे यहाँ, और फिर हमने गोविंद घाट की अपनी आगे की यात्रा शुरू करी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं आगे।